एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लर्नर पे। दोस्तों, जिस चीज का हम सबों को बहुत दिनों से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। जो तैयारी 3 का एग्जाम का डेट है वो आ गया, फॉर्म भरने की तिथि आ गई और इसमें लगभग तीसरे चरण में 71,000 शिक्षकों की बहुत बड़ी बहाली होने जा रही है बिहार में। तो TRE3 के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए, कुछ न्यूज के कटिंग्स हैं जिसमें दिया गया है कि तीसरे चरण में 71,000 और चौथे में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। फिर आप देखेंगे इसके बाद कि अगला जो न्यूज है वो उसमें डेट दे दिया गया है कि तीसरे चरण की जो परीक्षा होगा 7 मार्च से होगा। 7 मार्च में अब बहुत दिन बचे नहीं है, मुश्किल से अब आपके पास 28 दिनों का समय है। अब उसके बाद देखेंगे आप, एक और न्यूज है जिसमें है कि 10 से आवेदन, ये 10 फरवरी से आप ये फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देंगे और फिर 7 मार्च से इसका एग्जाम हो जाएगा। और थोड़ा सा इससे रिलेटेड न्यूज था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आएगा। TRE1 में कुछ आया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, 2 में भी कुछ चर्चा चल रहा है, 3 में नहीं आएगा, ऐसा क्लियर कर दिया है। अब है क्या कि हम लोगों को करनी है तैयारी बहुत कम समय में। आज 7 फरवरी है और 7 मार्च को एग्जाम देना है। 7 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 10 से आवेदन करिए और 7 मार्च से 17 मार्च के बीच होगी परीक्षा, 7 से 17 के बीच में। तो एक महीने के अंदर हम कैसे TRE2 के 6 to 8 के मैथ्स के पेपर का और 9-10 के मैथ्स के पेपर का तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए एक वीडियो बनाए हैं। इसके लिए हम रणनीति आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे तैयारी करें और इतने कम समय में सफल हों। इसके लिए देखिए प्लान हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा समय लेंगे। तैयारी कैसे होगा, सबसे पहले आप TRE2 के पेपर को देखिए और उससे एनालिसिस करिए। TRE2 का पेपर जो हुआ था उसको देखिए और एनालिसिस। तो TRE2 क्लास 9-10 का जो पेपर था, पहले उस पेपर को एनालिसिस कर लीजिए कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्टर से आए थे, किस चैप्टर से आए थे, उसको देख लेंगे तो फिर आपको तैयारी करनी आसान हो जाएगी। क्या इंटरमीडिएट के ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या 10 से ज्यादा आ रहा है, कहां से ज्यादा आ रहा है, तो उसको पहले देख लीजिए। और एक साथ आप 6 to 8 और 9-10 दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। कुल हमने इसको 17 चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं, इसको 17 पार्ट में डिवाइड किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने बनाया है 17 दिनों का प्लान। आप एक एक चैप्टर एक एक दिन पढ़ें और एक ही दिन उसका प्रैक्टिस भी कर लें। आप देखें कैसे, पहले पूरी तरह से समझिए इसको कि हम लोग कैसे क्या प्लान किए हैं। पहले तो एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सा सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया था इसमें, तो आप देख सकेंगे, क्लियर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, थोड़ा जूम कर देते हैं। तो जो घातांक के नियम है, शर्ट्स हैं, करनी है, उससे कुल 2 क्वेश्चन आया था। कितना आया था, कुल 2 क्वेश्चन था उससे, ठीक है। और पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बहुपद, गुणनखंड से और फिर ये द्विघात समीकरण से, कुल 7 क्वेश्चन आए थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज, ठीक है ना, AP GP, उससे था 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी परीक्षा में जिसमें मैथ्स आता हो, कुल इससे 8 क्वेश्चन थे। आपको पता है कि 80 क्वेश्चन पूछा जाना है मैथ्स का। हाँ, जनरल पेपर में भी 8 क्वेश्चन आता है, उस पे बाद में चर्चा करेंगे। इस 80 में क्या क्या आया था उसका चर्चा कर रहे हैं। स्टैटिक्स से कुल 4 क्वेश्चन थे, फिर 3 क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, प्रायिकता से 3 क्वेश्चन था, और जो सबसे बड़ा पार्ट था वो था मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन प्लेन फिगर का या फिर 3D फिगर का,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने वाला, ठीक है। सॉलिड में जैसे हो गया सिलेंडर, बेलन, शंकु, घनाभ, घन, उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुल 18 क्वेश्चन आए थे। मैंने ये क्वेश्चंस का नंबरिंग लिखा है, और अगर आपको इन सबों का सॉल्यूशन देखना है तो आप जाकर के पहले से वीडियो अपलोड है चैनल पे 6 to 8 का भी और 9-10 का भी, वहां देख सकते हैं सॉल्यूशन, उसके हिसाब से नंबरिंग लिखा हुआ है। मेरे पास किसी सेट का था तो हमने करवा दिया था। फिर उसके बाद अरिथमेटिक से ऐसे ही जो रटा गुना भाग, उससे 2 क्वेश्चन था, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से कुल 4 क्वेश्चन थे। सिमिलर ट्रायंगल 10 में पढ़ना, और ज्योमेट्री जो ट्रायंगल से रिलेटेड था उससे कुल 5 क्वेश्चन थे। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज से कुल 6 क्वेश्चन थे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप 8 के क्लास में पढ़ लेंगे, 7 के क्लास में पढ़ लेंगे, तो उससे जो क्वेश्चन था कुल 5 था। फिर टाइम एंड वर्क, उससे 3 क्वेश्चन था। रियल नंबर से एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हिंदी में बोले तो शांत होगा, अशांत होगा, उससे रिलेटेड था रियल नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कुल 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसमें 3 क्वेश्चन था। और फिर आखिरी में हमने लिखा है सर्कल, ज्योमेट्री का सर्कल वाला जो था पार्ट, ठीक है, उससे कुल 4 क्वेश्चन था। उससे कुल कितना क्वेश्चन था? 4। उससे कुल 4 क्वेश्चन था, ठीक है, उससे 4 क्वेश्चन था। आप इसी प्रकार से अगर 6 to 8 में जाएंगे तो उसको हमने कुल 12 पार्ट में डिवाइड किया, जो उसी से मैच करता है, उसी से मैच करता है। आप देख सकेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें भी वही था, इसमें भी वही था, लॉ ऑफ इंडिसेस, पॉलीनोमियल, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों मैच करता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हालांकि 6 to 8 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था वो 7 नंबर का आया था। आप उसमें देख पा रहे हो कि 3 नंबर का आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, में कितने मार्क्स का आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे नीचे था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें देख सकते थे 3 मार्क्स का आया था, लेकिन इसमें 6 to 8 में उसके कितने थे? 7 मार्क्स थे। टोटल कितने मार्क्स के आए थे? 7 नंबर के आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुल कितने आए थे? 7 नंबर के आए थे इसमें 6 to 8 वाले में पेपर में। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें भी शायद 3 क्वेश्चन था, इसमें भी 3 था। कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 आया था, और वहां कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साथ लिखे थे हम, तो उसका शायद कितना क्वेश्चन था? 5 था, उसका 5 था, और इसमें 3 आया था, क्योंकि ये 40 मार्क्स के ही थे, उसमें 80 था। फिर आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, डिस्काउंट परसेंटेज, इससे 6 क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था किससे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से था, ठीक है ना, और पेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम से, इसमें 5 क्वेश्चन थे, उसमें 18 थे, इसमें 5 थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का इसमें 2 क्वेश्चन था, स्टैटिक्स का 4 था, उसमें भी स्टैटिक्स का 4 या 5 ही था, ट्रिगोनोमेट्री का वहां 8 था और यहां पे 5 है, सीक्वेंस सीरीज एपी का 1 क्वेश्चन था, और लॉ ऑफ इंडिसेस का 1 क्वेश्चन, और पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुल 3 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो पहले से डाला हुआ है। अब है कि ये तो ठीक है, कौन सा पार्ट से कितना पूछ रहा है, आप लोग भी थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, अगर लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अब है कि हम तैयारी करेंगे कैसे, ठीक है ना, बहुत कम समय है, तैयारी करेंगे कैसे एक साथ 6 to 8 में भी और 9-10 में भी, क्योंकि चैप्टर सेम पढ़ने हैं, क्वेश्चन लगभग सेम आएंगे। तो देखिए तैयारी के लिए करना क्या है, हमने प्लान बनाया है, हमने कुछ प्लान किया है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा होगा टीआरई टू एनालिसिस जो अभी आप देख रहे थे। उसके बाद डे 1 थोड़ा जूम कर, क्या दिख रहा है? दिख रहा है?
डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे गायब है, 9, 10, 11 गायब है, 12, 13, 14, 15 गायब है, 16, ये 16 डेज का। बट आप देखेंगे नाइन टेन वाले में 1 से लेकर 17 तक, क्योंकि उसमें 5 दिन कम है, 5 चैप्टर्स कम है, लेकिन आपको 6 to 8 की तैयारी करना है, उसके लिए 17 दिन भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सेक्टर से उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें 40 ही पूछे जाने थे, किसी सेक्टर से नहीं पूछा, ठीक है। तो ये 17 दिनों का प्लान है जिसमें हमने लिखा है डे 1 डे 2, ठीक है ना। तो डे 1 में होगा क्या, इस डे 1 में है क्या, एक तो पहले आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमने लिखा है, ठीक है, डे 1 में। और डे 1 में इसके साथ साथ और क्या करना है आपको, जिस तरह से इसमें जो पूछा गया था लॉ ऑफ इंडिसेस में उसका कलेक्शन, फिर 6 to 8 वाले में सेम ऐसा ही कलेक्शन, ठीक है, 6 to 8 वाले में भी डे 1 मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ एक अलग सेक्शन हमने बनाया है कि हम प्रत्येक चैप्टर के थ्योरी को पढ़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन तो महज किसी में 5 पूछे हैं, किसी में 7 पूछे हैं, किसी में 8 पूछे हैं, तो हम थ्योरी को करेंगे और उसके बाद क्लास में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस डे 1 का देखिए प्रैक्टिस बना हुआ है, ठीक है, खुल गया क्या, शायद खुल गया होगा, डे 1 का प्रैक्टिस खुला, देख लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिस डे 1 खुला क्या पिछली बार जो समझा है ना, इसको कट करें, हाँ खुल गया ना, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें डे 1 का लॉ ऑफ इंडिसेस का। तो हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें जाननी है उसको जानेंगे, ठीक है ना, जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इसको देखेंगे, सर्ट्स प्योर सर्ट मिक्स सर्ट्स, ठीक है ना, मिश्रित है ना, करनी पूर्ण करनी, इन सारी चीजों को जानेंगे, और फिर उसके साथ जो संभावित प्रश्न है जो लग रहा है कि ऐसा पूछा जा सकता है हमने उसको कलेक्ट किया है, और प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर से जो जैसा चैप्टर है, मान लीजिए कि कोई बड़ा चैप्टर है तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, कोई छोटा सा चैप्टर है तो उसमें कम क्वेश्चन होंगे, तो वैसे करके जैसे डे 1 में हम लोग सोचा है कि हमने सोचा है कि 22 क्वेश्चन करेंगे और जो पूछे गए वो भी 4-5 होंगे, तो 30-30 का सेट बना लेंगे, ठीक है। जो चैप्टर्स बड़े हैं उसमें 60 भी हो सकते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि समय कम है, आपको पता है 10 फरवरी से क्या होना है, फॉर्म फिल होना है, और 7 मार्च से एग्जाम है, तो इन 30 दिनों में आपको 17 दिन में तैयारी कराने का प्लान है ऐसा। तो बस इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग प्रत्येक दिन एक एक वीडियो देखिएगा और इसको दोबारा से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें सफल होंगे, ठीक है, TRE 3 में आप पक्का सफल होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।